अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी को सिलेक्ट की है। और दोस्तों, एक सुपर सब्ज़ी के अंदर आता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्रोकली के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ब्रोकली जो है सब्ज कलर की एक सब्ज़ी है, और दोस्तों ये गोभी के साथ मिलती जुलती होती है। और दोस्तों, ये बेसिकली बंद गोभी और गोभी की ही फैमिली में से है। और दोस्तों, सबसे पहले इसे जो है यूरोप के अंदर ही उगाया गया है, और दोस्तों रोमन एम्पायर की कुजीन का एक अहम हिस्सा था। और दोस्तों, आजकल ये सबसे ज़्यादा जो है चाइना उगाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये न्यू सब्ज़ी है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादातर ब्रोकली को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसे काश्त किया हुआ है और ये वाइल्डली पॉपुलर भी हो रही है पाकिस्तान के इलाके में। और दोस्तों, आजकल ये जैपनीज और चाइनीज कोरियन कुजीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। चले दोस्तों, ये तो थे ब्रोकली के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं इसके न्यूट्रन फैक्ट्स की तरफ। और दोस्तों, इसके अंदर हाई मकदार के अंदर फाइबर पाए जाते हैं, कार्ब्स पाए जाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, अच्छी मकदार में अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है और जिंक पाए जाते हैं। और दोस्तों, कुल मिला के ऑल जो है मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर अवेलेबल है इस सब्जी के अंदर। चले दोस्तों, ये तो थे ब्रोकली के बारे में थोड़े से न्यूट्रन फैक्ट्स। दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों, इसे ज़्यादातर जो है स्टर फ्राइड फ्रूट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसे सूप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, पिज़्ज़ा टॉपिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है, इसे मुख्तलिफ किस्म के जो है कैसरोल्स भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों, जिस समय से हर किस्म की ये सूजिश का दूर करता है, जिस समय कहीं कैंसर बन रहा है, कहीं गिल्टी बन रही है, कहीं ट्यूमर बन रहा है, उसे ये दूर करता है। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटी फंगस है, एंटी बैक्टीरियल है। और दोस्तों, आंतों के अंदर ज़ख्म हो, मेदे के अंदर ज़ख्म हो, पेप्टिक अल्सर हो, उसके लिए बेहतरीन है, आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, पुरानी अगर आपको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है अक्सर, तो आप अपनी खुराक के अंदर ब्रोकली को शामिल कर लें। दोस्तों, पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ये ख़त्म करके आंतों को ये साफ़ कर देती है। दोस्तों, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, इसी तरह डायबिटिक्स जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों, अगर आप अपनी खुराक के अंदर ब्रोकली को शामिल कर लें तो आपकी शुगर जो है लेवल पर आ जाएगी, ऐसा ऐसा आपका लबलबा जो है वर्क करना शुरू कर देगा, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन सब्ज़ी है। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, इस वजह से आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल से जो है सेहतमंद जो है खलिये पैदा होते हैं, जिल को ये खूबसूरत बनाता है, चमकदार बनाता है। दोस्तों, रेगुलर ब्रोकली सब्जी को इस्तेमाल करने से जिगर की तमाम बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, फैटी लीवर की बीमारी भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, जिगर की सफाई करता है, जिस्म से जहरीले मरकबात को निकाल बाही करता है। और दोस्तों, दिमागी सेहत के लिए भी बेहतरीन है, याददाश्त को तेज़ बनाते हैं, दिमाग को ताकत देते हैं। और दोस्तों, रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका कुव्वत मुदाफियत भी मजबूत होता है। और दोस्तों, हमला खवातीन के लिए भी बेहतरीन है, ऐसी खवातीन जो हमल के दौरान इसे इस्तेमाल करती हैं उनका बच्चा जो है सेहतमंद पैदा होता है। और दोस्तों, मर्दाना जिनसी कमजोरी के लिए भी बेहतरीन है, मर्दाना बांझपन का ज़बरदस्त इलाज इसके अंदर है। दोस्तों, ये सब्ज़ी मनी को पैदा करती है, मनी को ताकतवर बनाती है, मनी को एक्टिव करती है। दोस्तों, मर्दाना जिनसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करती है। दोस्तों, मर्दाना जो जिनसी गदूद है, प्रोस्टेट का कैंसर का भी इलाज इसके अंदर है। दोस्तों, इसके अंदर जिंक शामिल है, इस वजह से ये खसियों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, खसियों की साइज़ में इजाफा करता है। तो आज से ही मर्द हज़रात अपनी खुराक के अंदर इसे शामिल कर लें। चले दोस्तों, ये तो थे ब्रोकली के यूजेस और बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हर चीज़ की ज़ाती नुकसानदेह होती है, इस वजह से ब्रोकली को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको मोशन लग सकते हैं, गैस हो सकती है, स्पेशल जब आप इसे कच्चा इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से इसे हमेशा जो है थोड़े से घी के अंदर, तेल के अंदर फ्राई कर लें या से स्टर फ्राई यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रोकली सब्ज़ी के बारे में डिटेल जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यूजेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, न्यूट्रन फैक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका ब्रोकली सब्ज़ी के हवाले से, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्राउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, अगर मुझे किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा,
तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।